हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक साइड डिश जो कि हर साउथ इंडियन डिश के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये इतनी ज्यादा हेल्दी है और इतनी कम टाइम में बन जाती है कि आप इसको डेली फ्रेश बना करके खाना पसंद करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट चटनी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और आप मेरी इस रेसिपी को अगर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आज हम इस कोकोनट चटनी को कैसे एक हेल्दी वर्जन में बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कोकोनट चटनी बनाने के लिए अक्सर लोग यूज करते हैं ड्राई कोकोनट या फिर ताजा नारियल, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे हम कोकोनट चटनी बनाएंगे वो है एक डेसिकेटेड कोकोनट। तो जब आपके पास कोकोनट नहीं भी है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट इसको स्टोर कर सकते हैं। ये नारियल का बुरादा होता है और इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। तो आप हमेशा ये 200 ग्राम्स की पैकिंग में भी आता है और बड़ी पैकिंग में भी आता है। तो आप इसको, मैंने यहाँ पे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, तो मैं इसको मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से चने, ये करीब 1/4 कप चने है। आज मैं इसको चने के साथ बना रही हूँ, आप इसको मूंगफली ऐड करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को आप रफली चॉप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मैं एक बार ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी और अभी मैं इस टाइम पे पानी ऐड नहीं करूंगी। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर में, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर बन के तैयार है हमारा ये मिक्सचर। देखिए, अगर आप पहले पानी डाल देंगे तो जो चना है या मूंगफली है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ग्रेनी सा ये मिक्सचर है। इनफैक्ट आप इसको, एक प्रीमिक्स भी है और आप इसको प्रीमिक्स को स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब आपको चटनी बनाने का मन करे तब आप इसमें और मसाले को ऐड करिए और अपनी चटनी रेडी कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दही। मैं यहाँ पे दही और नींबू दोनों ऐड कर रही हूँ इसको एक खट्टा टेक्सचर देने के लिए। यहाँ मैंने लिया है 1/2 नींबू। आप चाहें तो इसकी जगह इमली का रस भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और इसमें बहुत थोड़ा सा मैं डालूंगी काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। अगर आप इसको ऐड करेंगे अपनी चटनी में तो बहुत ही अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आएगा आपकी कोकोनट चटनी में। मैंने नमक डाल दिया है, अब मैं इसको एक बार दोबारा से ग्राइंड करूंगी। यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी पानी, तो मैंने करीब 1/4 कप पानी इसमें डाला है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से इसको गाढ़ा पतला रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप पानी मिलाकर के उसको गाढ़ी पतली कर सकते हैं। आप कभी भी बाद में पानी को मत ऐड करिएगा, उससे होगा क्या कि पानी अलग निकलेगा और चटनी आपकी अलग रह जाएगी। तो जितना भी पानी आपको इसमें ऐड करना है वो आप इसमें ग्राइंडर में डाल कर ही उसको अच्छे से चर्न कर लीजिएगा। अब हम इस चटनी को निकाल लेंगे और हम इसकी बनाएंगे तड़का। कोकोनट इतना ज्यादा बेनिफिशियल है और इतना यूजफुल है कि यही एक फ्रूट है जिसका सीड से शेल तक हर पार्ट यूज होता है कोकोनट का। कोई भी चीज इसकी वेस्ट नहीं जाती है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आपको हर चीज मिलती है, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर। तो ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। तो आप जब भी कोई साउथ इंडियन डिश बनाएं तो उसके साथ इस चटनी को जरूर बनाएं। तो अब हम चलते हैं इसके तड़के बनाने की तरफ। यहाँ पे मैं तड़के पैन में डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। यहाँ पे आप घी मत यूज करिएगा क्योंकि अक्सर जहाँ पे सर्दियाँ ज्यादा होती हैं वहाँ पे वो घी जम जाएगा। तो आप प्रेफर करें कि आप हमेशा इसमें ऑयल ही यूज करें, या तो कोकोनट ऑयल या फिर कोई रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे ऑयल में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई, आप इसकी जगह सरसों भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी हींग यानी कि एसाफोटिडा। थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं उड़द, उड़द की दाल है ये, चटनी में एक क्रंच देने के लिए।
मिल्क से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस तड़के में। एक डालूंगी इसमें साबुत लाल मिर्च। मिर्च को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस उसको अच्छा रेड रखना है, ब्लैक नहीं करना है मिर्च को। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी करी लीव्स, जो कि जान है किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी की। तो हमारा ये तड़का बिल्कुल तैयार है। तो हमारी चटनी पे ये तड़का लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम आप चटनी बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे।